जिला जलंधर ते विधानसभा हलका फिलौर दे पिंड बिरक विखे स्थित गुरु नानक बिरद आश्रम विखे डॉक्टर गगनदीप कौर CJM कम सैकटरी DLSA जलंधर वालों विशेष तौर पर सैमीनार का आयोजन किया गया जिथे आश्रम विच रह रहे सैकड़े बजुर्गों ने भाग लिया। आश्रम विच पहुंचन ते मानयोग जज डॉक्टर गगनदीप कौर अते एडवोकेट गौरव कौशल अते सरबजीत कौर PLV दा प्रबंधक वालों निघा स्वागत किया गया। इस मौके डॉक्टर गगनदीप कौर ने संबोधन करदिया कहा कि जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटी जलंधर कानूनी सेवावां अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 तहत अनुसूचित जाति बड़ी मुसीबत अते कुदरती आफतां दे मारे बेगार दा मारिया उद्योगिक कामे इस्त्री बच्चा हिरासत विच व्यक्ति मानसिक रोगी अपंग अते जिसकी आमदन 3 लाख रुपए सालाना आमदन तो वध ना होवे मुफ्त कानूनी सेवावां विच कचहरी विच केस लई जां अपने केस की पैर भी करन लई मुफ्त वकील अते सारे अदालती खर्चों की अदायगी सरकार वालों की जाती है। उन्होंने अगे कहा कि होर भी जानकारी लैन लई टोल फ्री नंबर 1968 ते जानकारी लैके लाहा लै सकता है। इस मौके आश्रम के फाउंडर बाबा दयाल सिंह ने सारे ही पतवंतियां ते मानयोग जजेस का धन्यवाद किया। जुडिशरी ते आम लोगों के विच एक पुल वांगू काम करते DLSA ते इहदा मतलब मेन परपज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का यही है कि जो कोई गरीब बंदा है ठीक है किसी कोई कानूनी सहायता लेनी है किसी ने कोई कानूनी हैल्प लेनी है कानूनी एडवाइस लेनी है सलाह लेनी है तो साढ़े को वकील साहब के पैनल ने जिम्मे गौरव जी भी साढ़े पैनल है तो इन्हों की फीस जी है सारी वो सरकार वालों दी जाती है। तो तुम जो कोई केस हैगा थोड़ा कोई भी थोड़ा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो किसी सपोज पेरेंट्स बच्चों ने घरों बहर कढ़िया है ठीक है या फिर थोड़ा कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तुम सारे इतने रह रहे हो या थोड़ा कोई पेंशन का कोई काम है आधार कार्ड नहीं बनिया वोटर कार्ड नहीं बनिया किसी का किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प लेनी है तो तुम सानू अप्रोच कर सकते हो। साडा टोल फ्री नंबर हैगा 1968 ते ए तो बिना जिहड़ा है तुसी जिहड़े फ्लोर वाले ने इत्थे जिहड़ा सब डिवीजन दा साडा ऑफिस हैगा फ्रंट ऑफिस ये जिहड़ी लेडी अपने नाल आए हुए ने ये इत्थे फ्रंट ऑफिस काम कर रहे ने इन्हां नूं तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ते जे जलंधर किसी का काम है तो उत्थे आके तुसी साडी मेन जिहड़ा है हैड ऑफिस साडे उत्थे आके साडे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ते जे किसी लेडी ने कोई केस करना है किसी बच्चे ने करना है जनरल कैटेगरी का जिसकी 3 लाख सालाना तो इनकम घट है कोई बंदा जेल दे विच है हैंडीकैप्ड है SC है ST कैटेगरी के जिहड़े बंदे ने असीं उन्हां सारिआं नूं फ्री दे विच वकील दिंदे आ। वकील का खर्चा तुसीं बिल्कुल 1 रुपया भी वकील नूं नहीं देना हैगा। असीं तुहानूं पैम्फलेट्स दे रहे हैं इन्हां नूं पढ़ लो जे किसी नूं किसी भी तरह की किसी भी तरीके की साडी हैल्प की लोड़ है तो यू आर तुसीं सारे फ्री हो तुसीं सानूं कदें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हूँ भी मैं इतने बैठी हाँ जो थोड़ा लगता है कि थोड़ी कोई प्रॉब्लम है जी अं सोल्व कर सकते हैं कोई DC साहब के नाल टेकअप करके कोई SSP कमिश्नर साहब के नाल टेकअप करके या कोई कोर्ट का कोई भी मैटर है तो तुम सानू दसो असं उन्होंने टेकअप करके सोल्व करने की कोशिश करा। तो एक होर है जो साढ़े को मुआवजा भी असं दें जिमें हिट एंड रन वाले केसिस ने एक्सीडेंट हो जाता है तो पता नहीं लगता है कि किन्ने फेट मार के एक्सीडेंट हो गया बंदे की डैथ हो गई या इंजरीज हो गई सट्टा लगियां तो असं उसे 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दें। जो थोड़े जान पछाण के कोई है थोड़े नेड़े तेड़े या थोड़े किसी भी रिश्तेदारी कोई इदा का बंदा है जिन्हों लोड़ है मुआवजे की तो तुम उन्होंने कहो कि साढ़े तक अप्रोच कर। रेप दिया विक्टिम्स ने एसिड अटैक दिया विक्टिम्स ने छोटे बच्चिया जिन्हों के नाल गलत काम किया जाता है उन्होंने भी असं लखा रुपए तक का मुआवजा दें ठीक है। ये सारी जानकारी तुम्हें अच्छ अं देने आए हाँ थोड़ा कोई हेल्प चाहिए है तो तुम साढ़े कदम भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो।